Hello students and welcome to my class. I am Gayatri Jangre, assistant teacher from Government Primary School Ram Sagarpara Today I am going to teach you lesson 48. Topic is where is the Dash question mark from your English textbook of class 1? So, students, open your English book lesson 48. Where is the डैश डैस क्वेश्चन मार्क मीन्स कौन कहाँ है दिस लेसन विल हेल्प स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस द मीनिंग ऑफ प्रिपोजिशन थ्रू एक्शन इस लेसन में हम प्रिपोजिशन का उपयोग करना सीखेंगे जैसा कि नाम से स्पष्ट है प्रिपोजिशन प्री धन पोजिशन किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसे प्रिपोजिशन कहते हैं तो चलिए देखते हैं लुक एट द पिक्चर पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है वेयर इज़ द डॉग डॉग कहाँ है या yeah, टेबल के नीचे नीचे के लिए हम कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं अंडर चलिए सेंटेंस को कम्प्लीट करते हैं द डॉग इज अंडर द टेबल लुक एट दिस पिक्चर इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है वेयर इज द कैट कैट कहाँ पर है तो कैट जो है वो कुर्सी पर है जब कोई वस्तु या कोई चीज़ किसी किसी वस्तु के ऊपर होती है तो हम ऑन लगाते हैं चलिए सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं द कैट इज ऑन द चेयर एट दिस पिक्चर इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है वेयर इज द रैबिट रैबिट कहाँ है तो रैबिट हैट के अंदर है जब भी कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर होती है तो हम का प्रयोग करते हैं चलिए सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं द रैबिट इज इन लुक एट दिस इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है वेयर इज द रैट रैट कहाँ है तो रैट जो है वो कुर्सी पर है जब कोई वस्तु कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर होती है तो हम ऑन लगाते हैं द रैट इज ऑन द चेयर एक्सरसाइज मैच द पिक्चर विथ दियर प्रीपोजिशन इस एक्सरसाइज में एक तरफ पिक्चर दिया गया है दूसरी तरफ प्रिपोजिशन दिया गया है विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर पिक्चर को देखते हुए आपको सही प्रिपोजिशन का चुनाव करना है सो लुक एट द फर्स्ट पिक्चर फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है वेयर इज द डॉग डॉग कहाँ है टेबल के नीचे तो नीचे के लिए हम कौन सा प्रिपोजिशन प्रि लगाते हैं यस अंडर देखिए अंडर कहाँ लिखा हुआ है थर्ड वर्ड यू एंड डी ई आर अंडर तो फर्स्ट पिक्चर को थर्ड वर्ड अंडर के साथ मिला दीजिए लुक एट द सेकेंड पिक्चर सेकेंड पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है वेयर इज द रैबिट यस रैबिट जो है वो हैड के अंदर है तो अंदर के लिए हम कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे यस yes, इन तो देखिए इन कहाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर में तो सेकेंड पिक्चर को फर्स्ट वर्ड आई एन के साथ मिला दीजिए लुक एट द थर्ड पिक्चर थर्ड पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है वेयर इज द कैट कैट कहाँ है तो कैट जो है वो कुर्सी पर है कुर्सी के ऊपर है तो ऊपर के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं ऑन देखिए ऑन कहाँ लिखा हुआ है यस सेकेंड वर्ड तो थर्ड पिक्चर को सेकेंड वर्ड ओ एन के साथ मिला दीजिए एक्सरसाइज टू चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस इस एक्सरसाइज में आपको चित्र को देखते हुए प्रिपोजिशन लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है चलिए देखते हैं आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है वेयर इज द एप्पल एप्पल कहाँ है तो एप्पल टेबल पर है तो अपन यहाँ पर कौन सा प्रिपोजिशन लगाएंगे ऑन द एप्पल इज ऑन द टेबल लुक एट दिस पिक्चर इस पिक्चर में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है वेयर इज द बॉल बॉल कहाँ है बॉल जो है वो टेबल के नीचे है तो नीचे के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे अंडर यस द बॉल इज अंडर द टेबल एट दिस पिक्चर इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है वेयर इज द बुक बुक कहाँ है बुक टेबल पर है तो पर के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑन ओके द बुक इज ऑन द टेबल Now, this is the time of homework. Write two sentences each using under, on, in by looking at your surrounding in your English notebook. बच्चों आपको in, on, under इन शब्द का इस्तेमाल करते हुए कोई भी दो सेंटेंस अपने इंग्लिश कॉपी में लिखना है, ओके? Okay? Thank you.